नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं, जो भी व्यक्ति समग्र आईडी में ईकेवाईसी नहीं कराई है वो जल्द से जल्द ईकेवाईसी करा लें, क्योंकि इसकी लास्ट तारीख आ चुकी है। और यहां पर आप देख सकते हैं लेटर जारी कर दिया गया है मध्य प्रदेश शासन द्वारा, जो कि पंचायत राज संचालय मध्य प्रदेश शासन द्वारा यहाँ पर लेटर जारी कर दिया गया है, जो कि भोपाल दिनांक 30 अगस्त 2024 को ये लेटर जारी कर दिया गया है। और इसका जो विषय है, विषय यहाँ पर देख सकते हैं, समग्र के तहत पंजीकृत हितग्राहियों के लंबित ईकेवाईसी अनुरोध के सत्यापन के संबंध में ये लेटर यहाँ पर जारी कर दिया गया है। जो जल्द से जल्द जो है समग्र आईडी में ईकेवाईसी कराएं, जो भी व्यक्ति रह गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विषय अंतर्गत संदर्भ पत्रों का अवलोकन करें, नागरिकों का डाटा सुधार के उद्देश्य से ईकेवाईसी की प्रक्रिया का उपयोग कर नागरिकों का सत्यापन किया जाना है, राज्य शासन के समस्त विभाग में संचालित समस्त सेवाओं एवं योजनाओं में जहां नागरिकों की जानकारी प्राप्त की जानी हो, आधार सत्यापित समग्र आईडी को दिनांक 2 अक्टूबर से अनिवार्य किया जाएगा। यानी जो भी व्यक्ति समग्र आईडी में ईकेवाईसी करे बगैर रह गए हैं, जिनने ईकेवाईसी नहीं कराई है वो जल्द से जल्द ईकेवाईसी करा लें। इसकी लास्ट तारीख जो है 2 अक्टूबर 2024 है, इसे अनिवार्य कर दिया गया है। अगर जो व्यक्ति रह जाता है उसको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है उसे निरस्त किया जा सकता है, या फिर आने वाली जो सरकारी योजना है उसे का लाभ नहीं ले पाएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पंचायत दर्पण पोर्टल पर कर प्रबंध प्रणाली, जनप्रतिनिधि प्रबंध, कर्मचारी प्रबंध आदि अंतर्गत समग्र आईडी के आधार पर जानकारी दर्ज होती है, जो कि समग्र पोर्टल के डाटा से इंटीग्रेट की जाती है। तो जल्द से जल्द जो भी व्यक्ति रह गए हैं समग्र आईडी से ईकेवाईसी कराए नहीं कराई है, तो वो जल्द से जल्द जो है ईकेवाईसी कराएं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में ईकेवाईसी अभियान हेतु आवश्यक सहयोग समन्वय प्रदान करने हेतु मैदानी अमले को निर्देश करें एवं प्रचार प्रसार करवाएं, ईकेवाईसी कार्य प्रगति की नियमित समीक्षा करें, कृपया समग्र पोर्टल पर लंबित ईकेवाईसी को प्राथमिकता के साथ पूर्ण कराना सुनिश्चित करें एवं कार्रवाई से संचालय को अवगत कराएं। तो जल्द से जल्द जो है ईकेवाईसी कराएं समग्र आईडी से। इसकी लास्ट तारीख जो है 2 अक्टूबर 2024 रखी गई है। तो जल्द से जल्द जो है आप ईकेवाईसी करा लें। इस पर हमने एक वीडियो बनाया है, उसकी लिंक प्रोवाइड करवा देंगे डिस्क्रिप्शन में, वह वीडियो देखकर आप आसानी से जो है समग्र आईडी में ईकेवाईसी करा सकते हैं। और जो व्यक्ति अगर मोबाइल से नहीं कर पाते हैं तो वो किसी भी ऑनलाइन सेंटर या सीएससी सेंटर पर जाकर आसानी से ईकेवाईसी करा सकते हैं। ईकेवाईसी कराने के लिए उसको सिर्फ अपनी समग्र आईडी लेकर जाना होगा, एक मोबाइल नंबर लेकर जाना होगा, मोबाइल नंबर आधार नंबर से लिंक होना चाहिए और आधार नंबर भी लेकर जाना होगा, आधार कार्ड लेकर जाना होगा। ये सामग्री आप लेकर जाते हैं तो आपका आसानी से जो है समग्र आईडी से ईकेवाईसी हो जाएगी। और इसकी लास्ट तारीख एक बार फिर मैं बता देता हूँ, 2 अक्टूबर 2024 लास्ट तारीख रखी गई है। और इसी प्रकार के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और वीडियो अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक जरूर करें। धन्यवाद।